नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। उपराजधानी नागपुर में 2 साल बाद होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन की अवधि मात्र 10 दिनों की होगी। हालांकि माना जा रहा था कि 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा शीत सत्र कम से कम 15 दिनों तक तो होगा ही, लेकिन विधिमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में इसे 10 दिन का ही करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन की अवधि तय करने के लिए आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में विधिमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विधानसभा और विधान परिषद के सत्र की अवधि 10 दिनों के लिए तय की गई है। बैठक में मौजूद विपक्ष के नेता अजीत पवार ने शीत सत्र की अवधि 3 हफ्तों तक किए जाने की मांग रखी थी। अजीत पवार का कहना था कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से नागपुर में शीत सत्र नहीं हो सका है, इसीलिए विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कम से कम 3 हफ्तों का सत्र होना चाहिए। अजीत पवार की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राहुल नार्वेकर के साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्र के दौरान विचार किए जाने का आश्वासन दिया है। बैठक संपन्न होने के बाद नागपुर में होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन की अवधि 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तय की गई है। बैठक में सविस्तर और सकारात्मक चर्चा हुई। इसके पहले 2 वर्ष नागपुर अधिवेशन नहीं हो पाया और 2019 में भी जो अधिवेशन हुआ था उसमें चर्चा के लिए समय का अभाव रहा है, और इसी दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने विदर्भ मराठवाड़ा जैसे अर्धविकसित विभागों के पूर्ण विकास के दृष्टिकोण से अधिवेशन में चर्चा हो, मंथन हो, संवाद हो, इस दृष्टिकोण से अभी अधिवेशन जो है वो 2 सप्ताह का करने का निर्णय किया है। अगर 2 सप्ताह में विषयों पे चर्चा करने का समय कालावधि कम हो तो 1 और सप्ताह बढ़ाने के बारे में फिर कामकाज सलाहकार समिति की बैठक ये 29 को होगी, और 29 के बैठक में इस दृष्टिकोण से आने वाले दिनों में 2 सप्ताह का अधिवेशन 1 सप्ताह बढ़ाने के बारे में सभी से बात करते हुए निर्णय किया जाएगा।